नाश्ते में छुट्टी वाला दिन था, नाश्ते में मैंने बनाया था स्वीडिश की तरह साबूदाना। ये साबूदाना मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से, आपने इसको पहले धो के फिर बॉईल करना है। फिर मैंने इसको बर्फ़ में डाल दिया था, दूध डाल दिया था, ठंडा कर लिया था, मिल्क शेक बना लिया था मैंगो का, वो इसमें डाल दिया था। और मैंने मैंगो कट करके रखे हुए थे क्यूब्स छोटे छोटे से, ये मैंने इसमें डाल दिए थे। ये बहुत ही हेल्दी था। आजकल गर्मी है, सुबह सुबह दिल नहीं करता पराठे बना के खाने को, तो हमने आज छुट्टी वाले दिन हमने ये पिया था सुबह नाश्ते में। और एक एक मग भी नहीं था पिया, दो दो मग पिए थे भर भर के। और ये बड़े मज़े का लग रहा था। आप चीनी थोड़ी सी कम रखना, फिर अच्छा लगेगा। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जाने लगे हैं चर्च। आज आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे चर्च, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ओके, आपसे मिलते हैं चर्च से आकर। अभी सुबह के 9 बजे हैं जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर ब्लॉग। आज हम आ गए हैं चर्च, बहुत ही खूबसूरत चर्च है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, ये बहुत खूबसूरत चर्च है। और इस साइड पर अगर हम देखें तो ये माँ मरियम की ज़ियारत के लिए बनाया हुआ है। आज अभी इंग्लिश चर्च हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद हम करेंगे उर्दू चर्च और आपको दिखाएंगे अंदर से चर्च कितना खूबसूरत है। मुझे तो ये चर्च बहुत प्यारा लगता है। हम बचपन में आते थे जब अपने पापा के साथ, क्रिसमस पे आते थे, ईस्टर पे आते थे, स्पेशल उनको गाड़ी मिलती थी तो हम यही वाला चर्च करते थे। आज मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने बचपन में जब चर्च आती थी वो कौन सा था। मैं छोटी थी, पापा के साथ आते थे तो हम अच्छा जी, चर्च ख़त्म हो चुका था। हमने आगे जाके दुआ मांगी थी और हमने दुआ मांगी अपने घर के लिए, बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, आप सब के लिए। और अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें सबको, किसी के लिए बुरा ना करें, किसी के लिए दिल बुरा ना रखें। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उनसे दूर हो जाएं। मैं तो ये मानती हूँ, मैंने सबको अपने आप से दूर कर लिया, मुझे किसी से कोई नहीं है। और मैं किसी का बुरा नहीं करती, ना मैं बुरा सोचती हूँ, बस मैं ख़त्म कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ। ये इतना खूबसूरत चर्च था, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मैं तो अपने बच्चों को दिखाती हूँ इस तरह की चीज़ें। मेरे पापा दिखाते थे हमें गाड़ी में बिठा के, और दूर से ही बताते थे ये माल रोड है, ये ऐसे है, ये है। चमन की आइसक्रीम खाते थे, इंजॉय भी करते थे, वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते थे, गाड़ी में बिठा के हर चीज़ बताते थे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी अपने बच्चों को वो सब कुछ दिखाऊँ जो मैंने बचपन में देखा, और मैंने आज उनको बहुत मिस किया बहुत। अच्छा जी, ये सेंट एंथनी के आपने ये देखा लगा हुआ। मैंने इधर बहुत दुआएं मांगी हैं, मंगल के चर्च की हैं, रोज़री बहुत पढ़ी है। और मैंने आरिफ को मांगा था दुआओं में और मुझे मिला है। मैंने तो बहुत दुआओं में मांगा था, मांग मांग के खुदा बाप से मैंने लिया और मेरी ज़िंदगी में भी तक है और हमेशा रहे। खुदा बाप उसको बड़ी लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहे वैसे ही। और ये इतना खूबसूरत चर्च लग रहा था, बहुत सारी पुरानी यादें। क्या मैं बस दिल कर रहा था मैं कहीं बैठ के रोऊं और अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं याद करूँ उनको। मैं कुछ नहीं कह सकती अभी आपको,
कि मेरे क्या इमोशनल थे और मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम पे, कि मेरे सामने खड़े हो जाएं, आ जाएं और मैं उनको जल्दी से पकड़ के प्यार करूं। मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया अपने पापा को। इसमें बहुत सारी यादें हैं। हम जब भी आते थे बचपन में पापा के साथ, और ये हम मुझे भी आज सब कुछ याद आ रहा है। जब मैं उनके साथ आती थी बहुत छोटी थी, सेम वैसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बहुत प्यारा है। हम लोग जब आते थे क्रिसमस होता था, कुछ होता था, एक जैसे कपड़े होते थे, और हम स्पेशली ये वाला चर्च करने के लिए आते थे। इस चर्च में हमें वो लेके आते थे चर्च करवाने के लिए। यहाँ से बड़ा नज़दीक होता था मेरे मामू का घर, जिसमें हम जाते थे, वो भी आते थे, कई दफ़ा चर्च में मिलते थे। पर अभी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने पापा को, जो इस दुनिया में नहीं है। ओके, ये भी हम आ चुके हैं बाहर, चर्च हो चुका है ख़त्म। हमने काफ़ी तस्वीरें उतारी, एंजॉय किया, और ये चर्च का फ्रंट है। चलो बस चलें, उषा आओ चलें। इस साइड पे एक माँ मरियम की ज़्यारत के लिए जाते हैं काफ़ी लोग। आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से जाते हैं। ये धूप बहुत तेज है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये है, यहाँ से हम एक दिन जाएंगे ज़रूर मरियाबाद, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मन्नतें और मुरादें लेके, जो पूरी भी होती हैं, मेरी भी हुई है, क्योंकि मैंने ईसा मांगा था मन्नत से। ये देखें यहाँ हम करते हैं एंड इसको। गॉड ब्लेस यू, आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबा दें। ओके बाय।